খেয়া মেরন লাথলা दोस्तों यहाँ पे इनको लड़ाई वगैरह हुई थी, पता नहीं क्या सीन हुआ था। मैं तो थोड़ा लेट पहुँचा, एक दूसरे को मार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम जाने वाले हैं, हाँ हम जाने वाले अभी केजी टॉप जो पड़ता है मेंडर के बॉर्डर एरिया में पड़ता है एक किस्म का। तो वहाँ से क्या कुछ नज़ारा आता है रास्ते में, सिर्फ जाना है और आना है वापस। तो आप भी चलिए मेरे साथ, लेट्स। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। टाइम कितना हुआ? 4:15 भैया। सो गाइस अभी हम निकलने वाले यहाँ से। सो गाइस मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ एक बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है, नाम क्या आपके चैनल का? नाम नहीं बताना। काम से मतलब इन्होंने अपने नाम को बड़ा नहीं किया, इन्होंने अपने काम को बड़ा किया। काम को अंजाम दिया, काम को इन्होंने सक्सेसफुल बनाया। सोच रहा हूँ मैं गाड़ी का कैमरा निकालूं, सुबह मेरे माइंड में आया था कसम से, मैं यार कैमरा तो लेना यार। रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे ना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं। मुझे शाम को ही पता चला, मैं यहाँ से पैदल आ रहा था, पैदल मार्च कर रहा था मैं। गाइस ये देखो यहाँ पे कौन सी मस्जिद है, कन्हैया वाली। ये देखो कन्हैया की मस्जिद कितनी खूबसूरत नजर आ रही। बस यहाँ पे नाके लगते हैं, बहुत बार पकड़े गए हम रात को यहाँ पे आर्मी वालों के हाथ। तो अभी हमारे साथ शायर, इनके शायरी का चैनल भी है और दूसरा रोस्टिंग का चैनल भी है। रोस्टिंग में अभी जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन जिक्र कर दिया मैंने, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे दो बंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच विचोले कोठा साडा ते किस्मत साडी मंदी, एक महला सत मसीता केदी करावे पाबंदी। क्या बात है यार, किस मस्जिद को आबाद करें, इसको करें उसको करें। ये मैंने देखा यार, लाइव एग्जांपल है, मैंने पुंछ में ही देखा। एक महल्ले में कितने मस्जिद? बहुत सारी मस्जिद है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम। तो कुछ और सुनते हैं, कुछ और सुनाते हैं, कुछ इनकी सुनते हैं, कुछ अपनी बताते हैं। तभी तो पढ़ने आओ मेरी तहरीरों को ऐ ज़ालिम, मैं शायरी नहीं तेरे दिल में दर्द लिखता हूँ। ओए ओए ओए, दर्द लिखता हूँ, दर्द लिखता हूँ। भाई इस शख्स को दर्द मिल सकता है? इसकी शक्ल काली काली आ रही है अभी, क्योंकि वहां से ना आगे से लाइट आ रही है। कोई बन गया रौनक पखियां दा, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया है नाश्ते नखरे विच, कोई गर्म रेते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, इत्थे सब मुसाफिर ने कोई कल चलिया। दोस्तों यहाँ पे इनको लड़ाई वगैरह हुई थी, पता नहीं क्या सीन हुआ था। मैं तो थोड़ा लेट पहुँचा, एक दूसरे को मार रहे थे। उसने क्या है, मैं क्वाडिया दर जासा तो मैं काजी मला तेन चैन देना, अगर है कोई प्यो ना है तो इतने आ मेरे ना लाथ ला। तुसा गल की उठती तो उसी थप्पड़ दिता, एक तरीका ये करें गाल समझें।
तो हम पियेंगे मजा क्योंकि गर्मी ने दी हमको सजा। तो हम करेंगे अभी डिस्कस लड़ाई के ऊपर। तो लड़ाई हो गई हमारी कंटेंट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज लोगों में थोड़ा सा दो तीन चपेड़े मुझे ही पड़ जाती कैमरे वाले को छुपके रिकॉर्ड किए। बहुत गुस्से में थे तो चपेड़े पड़ना तो कंपलसरी होता है ऐसी जगहों पे। लेकिन हम आपका भाई छुपके वीडियो बनाता है। जितनी भी आज तक पब्लिक में वीडियो बनाई है सब छुपके में। तो क्या हुआ था यहाँ के यहाँ पर कि एक ट्रक जो कि टाटा सुमो के साथ लगा था थोड़ा सा जिसके साथ उसका जो व्हील था ना टायर के ऊपर वो निकल गया था। तो व्हील निकल गया तो टाटा सुमो वाले को था 13 साल का एक्सपीरियंस। 13 साल में उसने गाड़ी को टच भी नहीं किया था किसी के साथ एक स्क्रैच भी नहीं थी गाड़ी पे। क्या हुआ कि गाड़ी को ठोक दिया ट्रक वाले ने थोड़ा सा उसका व्हील आ गया बाहर। तो बस चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर। एक बोलता है की दाढ़ी लंबी थी एक की दाढ़ी छोटी थी। जिसकी छोटी दाढ़ी थी वो बोल रहा लंबी दाढ़ी वाले के लिए कि तेरी दाढ़ी की कदर कर रहा हूँ मैं। लंबी दाढ़ी वाले ने छोटी दाढ़ी वाले को लगा ली। और क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया कब हुआ कब खत्म हुआ। सो गाइस अभी हम केजी टॉप पहुंच चुके हैं। लगभग केजी टॉप तो हमने क्रॉस कर लिया ना। हम गली में पहुंचने वाले हैं यानी कहाँ पहुंचने वाले हैं बुलाड़ी डिंगी चिट ज्यारत के पास। तो हम डिंगी चिट ज्यारत के पास पहुंचने वाले हैं। अभी हम इस तरह की लोकेशन पे पहुंचे हैं। इस तरह की किस तरह की इस तरह की कोई परवाह ही नहीं सस्ता रैपर। जब यहाँ पहुंचते पहुंचते हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वहीद भाई अभी पहुंचा नहीं अभी इधर से हमें दोबारा से पूंछ पहुंचना है। तो वीडियो को एंजॉय करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना बस अपने दिल के अंदर सब बातें रखना। Hehehehe